में बहुत लेट हो गए, तो हम लोग लेट उठे हैं और हम उठते हैं एक ही शुरुआत के साथ में कि राजा ही उठाता है सबको। क्या कर रहे हैं आप लोग? बात कर रहा है मेरे साथ और कह रहा, मैंने कहा आराम आराम से बोलना ना फंस जाएंगे हम, कह रहा ठीक है, हंस के दिखा रहा, हंस के दिखा रहा है। बात कर लो, बात कर लो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन, ऐसे बोलो। ओलो लो लो भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बाबू। तो आई थिंक ब्रीफिंग अच्छे से होगी होगी, आज हमने स्टार्टिंग खुशी के ऊपर छोड़ दी है, अंदर से कैमरा ऑन करके लाई थी, तो देखते हैं कैसी स्टार्टिंग हुई होगी। मैं भी आप लोगों के साथ ही देखूंगा जब एडिटिंग करूंगा। तो दिन की करते हैं शुरुआत अच्छे से, एंड कल के व्लॉग को एंड उससे पहले व्लॉग को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। एंड आज खास कुछ है नहीं करने के लिए, आज दी और जीजू शाम को निकल रहे हैं क्योंकि दीदी इस बार दिवाली जो है वो सेलिब्रेट करेगी अपने ससुराल में, एंड ओहो ही सेलिब्रेट करेगी बुलंदशहर में। तो मैं, राजा, खुशी एंड यूवी एंड माँ यहाँ पे बचेंगे, तो काफी बोर बोर सा हो जाएगा, लेकिन कोई नहीं, आप लोगों को सब चीज दिखाते हैं, मस्ती करते हैं, एंजॉय करते हैं अपने दिन को। सो कल मेरी वाइफ का शूट है, इसने अपनी दुकान जो है वो खोली है। हाँ जी मैम, दुकान में डब्बे तैयार कर लिए। दुकान में क्या क्या है मैम? दुकान में ये इसने इयररिंग वगैरह जो है अपने रेडी करके रखे हैं, शॉप खोली हुई है, तो सब इसकी हेल्प कर रहे हैं। क्या क्या सामान निकलेगा बाबू? हमें छोटा सामान खरीदना है, जाना है आपको पता है। हाँ, चलेंगे, जल्दी रेडी हो जाओ और इस दुकान को जल्दी बंद करो। और ये दुकान पे कस्टमर भी आया है भाई, कस्टमर जी, हाय कस्टमर जी, बात कर लो कुछ डाटा से, कर लो हाय मेरी कुच्ची मुच्ची, बातें करो। सो अभी ऑल सेट, हम लोग हो चुके हैं रेडी, मेरा बुग्गा भी है रेडी। ए बुग्गा, तो हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने, कल करवा चौथ थी, तो खुशी ने कहा कि हम इस बार कुछ थोड़ा सा अलग करते हैं, मैंने इसको कोई गिफ्ट नहीं दिया, तो मैंने एक चीज बोली थी सभी लोगों को कि को जाओ जल्दी से हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करो लास्ट वाले व्लॉग में, तो काफी सारे लोग आए थे इंस्टाग्राम पे फॉलो किया था, मुझे काफी सारे लोगों ने फॉलो किया, तो उनको दिल से लव यू। एंड अभी भी नीचे इंस्टाग्राम दिख रहा है, जितनी भी हमारी लेटेस्ट अपडेट होती है व्लॉग से रिलेटेड मानो, या हमारी लेटेस्ट फोटोज होती है सॉन्ग से रिलेटेड जितनी भी है, एंड एक हम बहुत जल्दी बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं, वो भी हमारे इंस्टाग्राम के थ्रू होगी। तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल यहाँ पे आ रहा है इस साइड में, एंड खुशी का इंस्टाग्राम हैंडल इस साइड आ रहा है, तो जल्दी जाके हम दोनों को इंस्टा पे फॉलो कर लो, सबसे पहले वो अपडेट हम अपने इंस्टाग्राम पे ही देंगे। अभी हम लोग चल रहे हैं शॉपिंग करने, शॉपिंग में हम क्या खरीद रहे हैं आज, लेकिन क्या है व्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा, देखते रहिएगा। तो अभी मौसम में काफी ज्यादा डिफरेंसेस आ गए हैं, मेरे शर्ट में कंफर्टेबल नहीं हो रहा था इसलिए मैंने जैकेट डाली एंड मैचिंग कर लिया शूज के साथ, एंड खुशी भी जो है वो है रेडी, एंड जीजू भी ऑलमोस्ट रेडी है क्योंकि जीजू जी निकल रहे हैं आज बुलंदशहर के लिए। दीदी इस बार सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करेगी मुजफ्फरनगर एंड बुलंदशहर में अपने, तो हम लोग इनसे लास्ट मीट कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग सीधा फेस्टिवल्स के बाद मिलेंगे। तो हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी 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 अहोई, हैप्पी छोटी दिवाली, हैप्पी दिवाली, गोवर्धन, हैप्पी गोवर्धन पूजा, और भाई दूज पे तो तुम मिलोगे, हैप्पी भैया दूज, अभी फिर भी मैं आ रहा हूं ऐसे, तो भैया दूज पे मैं मिलूंगा दीदी से, एंड हैप्पी मम्मी दिवस, मम्मी दिवस ऐसे ऐसे बता रहा है, तो तू यहीं आ रहा है बेटा, नहीं तेरे गले मिलना था आज, चलो तो बता, जैसे कि मैं जा रही हूँ तो तू मुझे कितना मिस करेगा, उतना मतलब कैसे, कितना क्यों सोचना पड़ेगा, वेट के हिसाब से बताऊं या किस चीज के हिसाब से, वैसे बताऊं किलो के हिसाब, किलो के आपको मैं लगभग लगभग 4.5 किलो के आसपास मिस करूंगा, सिर्फ 4.5 किलो, 5 किलो, 5 किलो, मैं 67 kg, कितने के जी में से आए तो बता दो, 69 में से, मुझसे पूछो, आप कितना मिस करोगे मम्मा को, 1 करोड़ kg। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि यथार्थ अपने घर क्यों नहीं जा रहा, ये वहाँ सेलिब्रेट नहीं करता क्या, तो इसके ऊपर एक अलग से ब्लॉग दे देंगे, ऐसी कोई बात नहीं अगर आप लोग चाहते हो तो उस चीज के ऊपर भी ब्लॉग मिल सकता है, लेकिन वैसे जो यथार्थ है, जो यूवी है, वो हमारे साथ रहता हमेशा से ही, तो इसलिए हमारे साथ सेलिब्रेट कर देता है। काफी बार ऐसा भी हुआ है की दिवाली इसने मुजफ्फरनगर सेलिब्रेट की है, तो जहाँ का मन करता है, मेरे बचपन के दो फ्रेंड है और वो पूरी लाइफ अपने नानू नानी के पास ही रहे हैं। यस, तो ऐसा होता है। खुशी किसी से सहम रहे हो बेटा? मैं नहीं, मेरे जाने से वो बहुत दुखी है ना, बहुत दुखी है यार, मेरा मन नहीं कर रहा है यार, मेरे जीजू और दीदी जा रहे हैं यार, कुछ तो दो शब्द तो निकाल दो मुख से, द्वार से अपने, तो
जैसे कि बहुत बुरा लग रहा है, न्यूज़ चैनल स्टार्ट हो गया, बहुत बुरा भी लग रहा है, लेकिन अच्छा भी लग रहा है कि इस बार दीदी सारे जो फेस्टिवल है अपने पति के संग मनाने वाली हैं। जब वो 4-5 साल बहुत बुरे निकले हैं, उसमें जीजू ने हमारे साथ ही सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट किए हैं। ये पहली बार ऐसा हो रहा है काफी साल बाद कि दी एंड जीजू मुजफ्फरनगर सब कुछ सेलिब्रेट करेंगे, तो अगर हो पाया तो करें, ऐसा ही हो, सब कुछ अच्छा रहे तो सब लोग अपनी अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करें। एंड हम यही चाहेंगे कि आने वाली दिवाली आप लोग भी अपने घर में रहें, क्योंकि वर्किंग कुछ लोग हैं जो अपने घर से बाहर जॉब करते हैं, आप जाइए घर सेलिब्रेट करें अच्छे से। एंड एक और चीज इस बार जो सबसे बड़ी मिस होने वाली है वो है जीजू का बर्थडे। जीजू का बर्थडे आता है 11th of November को, तो इसकी नजर तूने ही लगाई, उसी नजर लगी थी जो हमने लास्ट सेलिब्रेट किया। एक लास्ट व्लॉग में मैंने बोला भी हुआ था कि जीजू जब आपका बर्थडे होगा तो प्लीज उससे कुछ टाइम पहले बता देना, हम सब अपना फोन वोन ऑफ करके रख लेंगे। तो वही सब हुआ कि 11th का जो है जीजू का बर्थडे है, उसके आसपास ही फेस्टिवल्स आ रहे हैं सारे, तो जीजू सॉरी, लेकिन हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। थैंक यू सो मच। भगवान जो आपकी उम्र लगाए, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50 लाख। पता है तेरे जीजू कितने रोने वाले हैं गाड़ी में पूरे रास्ते कि मेरा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर रहा है। नहीं जीजू गिफ्ट बताए, जीजू का गिफ्ट मिलेगा भाई, ऐसे थोड़े हक नहीं मारेंगे हम किसी का। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, जीजू और दीदी हमारे पीछे से निकल जाएंगे, इसलिए हमने एक लास्ट शॉट ले लिया सबने साथ में बैठ के। हाँ, जो भी फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे दिवाली एंड ऑल की, तो सब चीजों की आपको वीडियो क्लिप्स टाइम टाइम पर जो है मिलती रहेगी हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू। तो थैंक यू सो मच, आप व्लॉग में आगे बने रहिए, हम व्लॉग को आगे कंटिन्यू करेंगे। डियर जीजू को हम टाटा बाय बाय जब तक कर देते हैं। ओके बाय। सो अभी हम घर से निकल चुके हैं एंड हम जा रहे हैं दुशांत के पास। हम ऑलमोस्ट उसको 1 साल बाद मिलने वाले हैं। बहुत बार प्लान बनाया था लेकिन कोविड आ गया, कभी कुछ सिचुएशन ऐसी बनी नहीं पाई कि हम मिल पाए, तो हम उसको मिलने जा रहे हैं। उसके बाद हम एक और फ्रेंड को मिलेंगे, वो सरप्राइज है, वो आपको व्लॉग में आगे पता चले। सेकंड थिंग, क्या गिफ्ट है वो भी आपको व्लॉग में आगे पता लगेगा, वो गिफ्ट भी खुशी का एक तरीके से। तो भी खुशी और में आ चुके हैं सोनी के बाहर, तो अभी हमें यहाँ से जस्ट एक गिफ्ट उठाना है। तो मैं बोलता हूँ क्या गिफ्ट है वो अंदर चल के बताऊंगा, वैसे कुछ लोगों ने आइडिया लगा भी लिया होगा, लास्ट में दिखाएंगे क्या चीज़ है, उसकी अनबॉक्सिंग लास्ट में होगी घर जाके। अभी दुशांत हमारे पास आने वाला है, सो फ्रेम में आप लोगों को दिख रहा होगा ये जो घूमता फिर रहा है बच्चा, ढूंढता फिर रहा है किसी चीज़ को। क्या हाल चाल दुशांत? आफ्टर लॉन्ग टाइम भाई, हम लगभग 1 साल के आसपास, इतना लंबा टाइम हो गया। काफ़ी बार ऐसा प्लान करा था, एक बार भाई के साथ एक सीन भी हो गया था, तो चलो वो हम याद नहीं करेंगे। तो अभी खुशी ने मेरा मोटा खर्चा करा दिया, उसके बाद फिर एक और मोटा खर्चा करा दिया, क्योंकि दुशांत कह रहा भाई मैं बिना खाए नहीं जाऊँगा। खाऊ है यार, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा खाऊ है यार ये, पहले भी बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक शूट पे ना, तो पहले हम बहुत सारा खा लेते हैं, खाने के बाद हम आप लोगों को बाहर मिलते हैं डायरेक्ट, एक सरप्राइज रह रहा है क्योंकि अभी। सो बेसिकली अभी हम लोग हैं इंडिया गेट पर, जैसा कि आप लोग पीछे देख पा रहे होंगे छोटा छोटा हमारे साथ यहाँ पे कौन है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे अपनी पलटन है और ये वाला बंदा भाई मास्क नहीं हटाना है अभी। वैसे इतने सेकंड पे मैं देखूंगा किसने कमेंट किया हुआ है यहाँ पे, कमेंट करके बताना कि अपने साथ कौन बंदा है, अब मास्क हटा सकते हो। नहीं तुमने हटाओ, हम तो घर के ही हैं, अभी नहीं हटाने। सो बेसिकली मजा आ गया, पहले तो हमने चाउमीन खा ली बहुत सारी, मेरे घर ही चाउमीन नहीं। वैसे एक बार भाई ने हमको इतनी सारी चाउमीन खिलाई, नहीं भाई जब इन्होंने 3 प्लेट मंगा ली उसके बाद क्या हुआ, हमने इधर देखा तो 2 भाई हो रहे हैं हमारे साथ, तो भवन भाई गए, 2 तो तुम्हारे नाम के, एक हम सब खाएंगे। सो आज चल रही है काफी सारी मस्ती एंड अभी हम चलते हैं कॉफी पीने, अगर यहाँ पे आसपास कोई कैफे कॉफी डे मिलता है अच्छा तो वहाँ पे कॉफी पी लेते हैं पहले। सो फाइनली अभी हम लोग आ चुके हैं घर पे एंड काफी सारी मस्ती आज हम लोगों ने की। जहाँ पे हम रुके थे वहाँ पे थोड़ा अंधेरा था इसलिए मैं ज्यादा शॉर्ट्स नहीं ले पाया, अभी घर चलते हैं, काफी देर होगी राजा से मिले हुए, उसको जाके हग ही लेते हैं, एक पप्पी देता हूँ मैं उसको, ऐसी वाली जो हमने गिफ्ट लिया उसको हम घर जाके भी रिवील करेंगे। और अब मिलते हैं फ्लैट पे। एक और चीज़ आप लोगों ने कभी ऐसा देखा है कि जब भी कोई कहीं बाहर जा रहा हो तो वो दूसरे स्लीपर लेके जाता है एंड एक स्लीपर पहन के जाता है, ये क्या है? मैं हील्स में थक जाती हूँ। तो ये क्या है? हमने तुम्हारा उल्लू बनाया।
दूसरी चीज आप इसके बाद आप एक्सटर्नल भी आपको काफी सारी चीज लेनी पड़ेगी लाइक गोरिल्ला पोर्ट माइक और बैटरीज एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड तो वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है लेकिन अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो मुझे सेटअप लगभग 1.5 लाख के आसपास पड़ेगा जाके जिसमें कि प्रॉपर सेटअप मेरा रेडी हो जाएगा एंड अब से आपको 4K वीडियोस देखने मिलेंगे। इसका फायदा हुआ है कि हाँ घर के ही दो पीपल को और वो कौन है मैं और मामी क्योंकि हम व्लॉगिंग कर नहीं पाते क्योंकि ये कैमरा बहुत टाइट है और ये इसका बहुत हल्का वेट है इसे मैं भी उठा सकता हूँ तो इनको बहुत इजी रहेगा व्लॉगिंग करने में तो इसलिए वो बहुत खुश है आज कि अब मैं भी व्लॉगिंग करा करूंगा सिंगल हैंड से। एंड एक मेन रीजन इसको लेने का ये भी है हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करता है कल को राजा बड़ा हो कि ये ना बोले कि तुम लोगों ने मेरे लिए क्या करा है इसलिए पहले लाइट वेट ले लिए है कि वो अच्छे से व्लॉगिंग कर पाए। मुझे लगा पता नहीं क्या सीरियस बात कह रही है कि राजा बड़ा हो के मम्मी पहले बताओ पापा कितने कैमरे रखे हैं मेरे लिए लेके लाइट वेट वाले कैमरा कितने राजा स्टार्टिंग से देखेगा ऐसे भी हो सकता है एक साल बाद खुद ही लगा हेलो फ्रेंड्स पापे खा लो पहली वीडियो पिछले वालों को भी देख के अगर नहीं दिया एंड ये जो शूट हो रहा है ये हो रहा है हमारे नए वाले कैमरा मतलब मेरे जो गिफ्ट में और बताना दोनों में क्या डिफरेंस है सिर्फ आप लोगों के लिए करते हैं क्योंकि आप लोग बोलते थे इसलिए गाइस सारे व्लॉग्स देखा करो। बाय बाय बाय।